प्रयागराज कौंधियारा थाने में सिपाहियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण में महिला पुलिस व पुरुष पुलिस के अलावा सभी स्टाफों की HIV और अन्य जांच किए गए। पुलिस कर्मचारियों को निःशुल्क दवा वितरित की गई। हर 3 महीने पर पुलिस कर्मचारियों की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंधियारा के डॉक्टर राम सिंह व BPM महफूज अहमद के नेतृत्व में मंगलवार के दिन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में विशेष रूप से HIV व अन्य बीमारियों के प्रशिक्षण दिए गए। डॉक्टर रोहित पांडे ने बताया कि 3 महीने पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन थाने में किया जाता है। डॉक्टर रोहित ने बताया कि पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी एक थाने से दूसरे थाने में लगती रहती है, ऐसे हालत में वो स्वास्थ्य की जांच नहीं करा पाते, जिसके कारण उनके सेहत पर इसका सीधा असर होता है। विशेष रूप से पुलिस कर्मचारियों को HIV व उसकी बीमारी के बारे में सावधानी व बचाव के बारे में जानकारी दी जाती है। देखिए, HIV की जो बीमारी है ये मुख्यतः 4 कारणों से फैलती है। एक है असुरक्षित संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित एवं संबंध बनाने से, संक्रमित सुई या सिरिंजों के एकल या साझा प्रयोग से, और संक्रमित रक्त अथवा रक्त उत्पादों के चढ़ाए जाने से, और संक्रमित HIV गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे को। जवानों से ये अनुरोध रहेगा कि वो अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर समय अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में वो संयम का ध्यान रखें और जो है हमेशा जब भी संबंध बनाना हो तो वो जो है कंडोम का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ है कि हमारे जवान जो है, चूँकि अब उनका कार्य क्षेत्र ही ऐसा है कि हमेशा मदद करना दूसरों की, और कभी कभी वो स्वयं भी इसमें चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी उनको किसी भी तरह की सुई या सिरिंज का उपयोग उनके ऊपर हो रहा है या साथी के ऊपर हो रहा है तो वो हमेशा नई रहे, वो रीयूज़ करी या पहले से इस्तेमाल की हुई का इस्तेमाल ना होने पाए। इसी तरह से अगर रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो लाइसेंस प्राप्त रक्त कोष से ही रक्त को जो है प्राप्त करें, और हम स्वैच्छिक रक्तदान पे जो है ध्यान दें, क्योंकि जब ब्लड हमारे ब्लड बैंकों में उपलब्ध रहेगा तो उसकी किसी भी वो जो है कालाबाजारी या इस तरह की चीज़ नहीं हो पाएगी, प्रोफेशनल डोनर्स नहीं आ पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा जो है इससे भ्रांतियों से दूर रहें। अगर समाज में किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, खासतौर से HIV एड्स की बीमारी को लेके, तो हमारे जो हमारी पुलिस विभाग के जो हमारे लोग हैं वो जो है हमेशा इसके लिए झगड़ा फसाद में या दूसरी चीज़ों में वो पहुंचते हैं और मदद करते हैं। तो सदैव थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि किसी के पास जो है अगर इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है इस बीमारी को लेके, चाहे उसके कार्य क्षेत्र में हो चाहे घर परिवार में हो, तो बीमारी विशेष के कारण वो भेदभाव ना होने पाए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब वो स्वयं इसको जानेंगे, समझेंगे और जो है कैसे बीमारी होती है और किस तरह से दूसरे में फैलती है। तो हम लोग इसी प्रयोजन के तहत आज यहाँ पे आए थे। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।